हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। ये जो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट कल रात को लेके आया था, तो ये मैं लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास और डॉक्टर को दिखाऊंगा। और थेरेपी सेशन भी है मेरा, तो थेरेपी भी लेना है और डॉक्टर से मिलना भी है, ये दिखाना है। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मैं बताऊंगा आपको। सो चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। तो दोस्तों मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, और मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बट मेरा कोई आज अपॉइंटमेंट नहीं है और आज संडे है, तो बहुत ज़्यादा रश होता है। सो मैं जब बोलूँगा कि हाँ मेरा ब्लड टेस्ट दिखाना है, तो शायद मुझे मिलने का मौका मिले, मतलब कि बिना अपॉइंटमेंट का भी मैं मिल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कभी भी आप बीच में जितना जल्दी हो सके ब्लड टेस्ट लेके आ सकते हो। तो मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया अभी, बट मिल सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और थेरेपी के लिए कोई भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप कभी भी जाओ, मतलब मैं कभी भी जाता हूँ तो थेरेपी ले लेता हूँ एक हफ्ते में या 10 दिन में, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट नहीं लगता है, बट डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लगता है। तो मैंने ब्लड टेस्ट तो ले लिया है बट अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। सो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि आप ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट लेके कभी भी आ सकते हो, तो देखते हैं जाते हैं क्या होता है। सो दोस्तों मैं आ गया हूँ स्टेशन के पास और ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। ट्रेन अभी तक आई नहीं है, देखते हैं कब तक आती है। ट्रेन आ रही है, जल्दी पहुंच गया। ट्रेन आ गई थी और अभी यहाँ से बाहर निकलता हूँ। बाहर निकलने के बाद फिर वहाँ से पैदल। इधर जाना है मुझे, संडे है तो भीड़ नहीं, नहीं तो वैसे बहुत भीड़ रहती है इस जगह पे। ये पूरा एरिया में बहुत भीड़ रहता है, बट आज संडे है सो इसके लिए भीड़ नहीं है। बहुत दिनों के बाद मटके का पानी पीने का मिला है। रास्ते में जा रहा था तो मटके का पानी मिला है, आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। मटके का पानी मैं काफ़ी जमाने के बाद पिया हूँ, मज़ा आ गया पी के। फाइनली पहुँच गया मैं और लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। ये देखो डॉक्टर बत्रा, इधर जाना है। तो मैं दिखा के डॉक्टर को, रिपोर्ट दिखा के मैं अब जस्ट बाहर आ गया, और जो भी हुआ डॉक्टर ने क्या बोला मैं आपको बताऊंगा। सो
अभी चलते हैं, पहले बाहर निकलते हैं यहाँ से और लिफ्ट दबाते हैं इसको और जाएंगे नीचे। और कुछ डॉक्टर ने दवा भी लिखा है, जो विटामिन D3 कमी हो गई थी उसकी दवा, तो उन्होंने बोला है कि आपको आयरन की भी कमी है, तो उन्होंने कुछ दवा लिखा है जो कि मुझे मेडिकल से लेना है। बाकी बताते हैं आपको जो भी होगा। सो गाइस, ये दवा है जो उन्होंने लिखा है, अभी चलते हैं मेडिकल में और देखते हैं कितने का आता है। 785 दो महीने की सर, दोनों फिर उसमें दूसरा कंपनी का भी मिल सकता है, लेकिन कंपनी आ जाएगा। नहीं, जो लिखा है उन्होंने वही चाहिए। सो ये हमको मिला है 599 रुपये में, मतलब कि 600 रुपये में। सो गाइस, मैंने दवा ले लिया है और अभी मैं सोच रहा हूँ खा ही लूँ दोनों में से एक एक, तो मैं अभी खा लेता हूँ, पानी भी है मेरे पास, तो इसको खा लेते हैं। इंतज़ार किस बात का, दवा मिल गया तो खा भी लेते हैं। और डॉक्टर ने बोला है कि आपको सब्जी खाना है, थोड़ा ब्लैक जो रेजिन होता है किशमिश वो खाना है, ब्लैक खजूर खाना है, और भी खाने में सब्ज़ी ऐड करना है आपको, ये सारी चीज़ें बताई उन्होंने। और सुबह में थोड़ा सा धूप लेना है, जो मॉर्निंग का जो धूप होता है जिससे विटामिन D3 मिलती है वो लेना है। और भी बहुत कुछ बताया है, मतलब खाने में काफ़ी कुछ बताया उन्होंने, न्यूट्रिशन लेना है, ये सब चीज़ें तो मैं लेता ही हूँ, बट थोड़ा सा और ध्यान देना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं और ये मैंने दूसरे मेडिकल से लिया है, मतलब नीचे मेडिकल से लिया था, इसको मुझे पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे क्लिनिक से लिया है, उन्होंने दिया है तो मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ा है, ये मैं नीचे आके मेडिकल से लिया है क्योंकि ये अंग्रेजी दवा है। पहले मैं इसको खा लेता हूँ, पानी है मेरे पास। सो गाइस, मैंने डॉक्टर से मिल लिया, रिपोर्ट दिखा दिया और उन्होंने जो कुछ भी मिला मैं आपको सब बता दिया। दवा ले लिया मैंने विटामिन D3 और जो आयरन का था वो, और मैंने खा भी लिया उससे, क्योंकि जो डॉक्टर बोल रहा है तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं जब उनसे मिलने गया था डॉक्टर से, तो उन्होंने मेरा इससे बोला कि आप निकालो आपका बाल कितना कितना दिखाओ मुझे, मैंने ऐसे ऐसे किया उस पेपर पे रखा, तो दो चार बाल तो आए ही थे, क्योंकि मैंने बोला कि मैं शैम्पू किया था, जब शैम्पू करके आ रहा हूँ अच्छे से, उस टाइम बाल बहुत ज़्यादा गिर रहा है इसलिए अभी कम निकल रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट आप टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाए, सब फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला कि अगर कंट्रोल नहीं होता है तो हमें भी टेंशन होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेशेंट को ही होता है, डॉक्टर को भी होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो देखते हैं जैसा होगा मैं बताऊंगा। पूरा कोर्स तब तक ख़त्म नहीं कर लेता, बीच में छोड़ नहीं सकता, क्योंकि छोड़ने के बाद एक एक्सक्यूज हो जाएगा कि हाँ भाई आपने तो बीच में ही छोड़ दिया तो कैसे ठीक होगा, तो मैं बीच में छोड़ूंगा नहीं, इतना दिन हो गया तो थोड़ा दिन और सही। और बाकी जो कुछ भी दवा वगैरह लिख रही है, न्यूट्रिशन वगैरह और विटामिन वगैरह सब मैं ले रहा हूँ, सो देखते हैं क्या होता है। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।